नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनुवाड़ी 1920 में। और रोज़ की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि कोई व्यक्ति नारियल का तेल देखे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, नारियल का तेल कहीं कहीं पर तो लोग खाने में भी उपयोग करते हैं और वैसे तो अक्सर लोग अपने शरीर में बालों में लगाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी रहता है। तो दोस्तों, यदि आपने सपने में नारियल के तेल को देखा हो, चाहे किसी भी स्त्री ने सपने को देखा हो या किसी पुरुष ने देखा हो, तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है यह जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान में ऐसा बताया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने सपने में नारियल के तेल को देखा है तो यह सपना देखना देखने वाले व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता है। दोस्तों, यह एक सपना अशुभ स्वप्न है। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान में ऐसा बताया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने सपने में नारियल के तेल को देखा है तो यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में आप जीवन में परेशानियों का आगमन होने वाला है, यानी कि आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आएंगी, जिससे जो कि आपको मतलब काफ़ी परेशान कर सकती हैं। इसलिए यदि आपने सपने में नारियल के तेल को देखा है तो उन मुसीबतों से, आने वाली मुसीबतों से बचने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए और साथ ही साथ अपने जीवन में जो है आगे सोच समझ कर कदम बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच सके। और मित्रों, यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है या आप किसी अन्य सपने का मतलब जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर भी शीघ्र देंगे। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।